Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम गुजरात का दंगल लेकर हाजिर हूं और आज आपको बताऊंगी पीएम मोदी की रैली हो रही है गुजरात के धंधुका में, जहां से वो लाइव हैं और कई उन्होंने बातें की हैं। इस दौरान हमने भी उसमें से कुछ बातों को लिखा है, आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि उनका अहमदाबाद से करीबी रिश्ता है, अंबेडकर जी को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं, रिजर्व बैंक उनकी देन है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कांग्रेस जब तक थी उनको भारत रत्न नहीं दिया गया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई तब से आदिवासी इलाकों में नल में पानी आता है। इसके साथ ही उन्होंने बहुत और भी बातें कही हैं, रुख करूंगी अपने सहयोगी काशिफ जी की तरफ, वो बताएंगे कि और क्या क्या बातें कही हैं पीएम मोदी ने। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अहमदाबाद पहुंचे हैं पीएम मोदी, अहमदाबाद की रैली इसलिए ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 21 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 17 जो हैं बीजेपी के पाले में हैं और 4 जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं। इसलिए ये काफ़ी अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए क्योंकि उनको 17 सीटें बचानी होंगी। ऐसे में पीएम मोदी ने जहाँ अहमदाबाद को लेकर ये बात कही है कि अहमदाबाद से मेरा काफ़ी करीबी रिश्ता है, हालाँकि उनका हर एक राज्य से हर एक शहर से उनका करीबी रिश्ता हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। आज उन्होंने पूरा जो उनका भाषण है, जो अगर हम देखेंगे तो पूरी उनकी भाषा शैली सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर पर है क्योंकि आज संविधान के जो हमारे दाता हैं डॉक्टर अंबेडकर उनका आज जन्मदिन है, तो कहीं ना कहीं आज ये पूरा जो उनका भाषण है वो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर है। उन्होंने अहमदाबाद के लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि गुजरात मुक्त हो चुका है, आज दंगा जो है आज की युवा पीढ़ी दंगा मुक्त हो चुकी है, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे सीधे युवा को भी जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक और बड़ी बात कही है, मंदिर जाने से गुजरात में बिजली नहीं आई है, मंदिर का मुद्दा उछाला है उन्होंने और सीधे उनका निशाना कहीं ना कहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी है। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार अब तक करीब 21 से ज्यादा मंदिरों में वो जा चुके हैं, दर्शन दे चुके हैं गुजरात में, तो ऐसे में उनका सीधा तौर पर बीजेपी, देखिए बीजेपी पीएम मोदी ने जो हमला करा है राहुल गांधी के ऊपर इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर भी है कि कहीं राहुल गांधी की छवि एक हिंदुत्व वाली ना हो जाए। सिर्फ मुद्दा यही है, बाकी राहुल गांधी मंदिर में जाएं या न जाएं इससे मतलब नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर डर रही है बीजेपी के कहीं लोग इस बात को ना समझ पाए। और उन्होंने इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है गुजरात में उन्होंने सुरक्षा का एक उपहार दिया है, दंगा मुक्त दिया है, कहीं ना कहीं उन चीजों को अपने जो उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने पूर्व कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उसकी कहीं ना कहीं बखान कर रहे हैं और हर बार की तरह कांग्रेस पर हल्ला बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर उन्होंने हल्ला बोला है, मंदिर को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है कि मंदिर जाने से गुजरात में बिजली नहीं आई है, यानी कहीं ना कहीं काशी जी आपको नहीं लगता है कि मंदिर जाने से कहीं ना कहीं पीएम मोदी को ये लग रहा है कि सब मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उनको तो खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी अब उनकी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी पीएम मोदी ने कहा है कि मैं माला नहीं जप रहा था, मैं काम कर रहा था, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब जो राहुल गांधी जो मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों में लगातार वो पहले कोई भी अपनी रैली से पहले मंदिरों में दर्शन करते हैं, वहाँ टीका लगाते हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी को अब कहीं ना कहीं बीजेपी को खुद को डर लग रहा है कि कहीं राहुल गांधी की छवि एक हिंदुत्व वाली ना हो जाए, इसी लेकर पीएम मोदी कटाक्ष कर रहे हैं। जी, और आपने हिंदुत्व की बात की तो कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी पर कटाक्ष करना बनता भी है क्योंकि अगर देखा जाए राहुल गांधी को अगर एनालाइज किया जाए तो लोकसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद जो जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, यूपी की अगर बात कर लूं और हाल ही हिमाचल प्रदेश की बात कर लूं जहां पे चुनाव संपन्न हुए हैं, तो राहुल गांधी को कभी ऐसे हिंदुत्ववादी लहजे में नहीं देखा गया है। क्या काशी विश्वनाथ मंदिर पे जब वहां वाराणसी की बात करना चाहूंगी जो कि भगवान शंकर की नगरी है, वहां से जब पीएम मोदी ने वहां पर टिकट सांसद है वहां से जब वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो फिर वहां क्यों नहीं गए थे काशी विश्वनाथ के मंदिर? वो तो कहते मैं शिव भक्त हूं, जब बीजेपी ने उन पर हल्ला बोला तो कहते मैं शिव भक्त हूं, हम पहले से ही मतलब एक धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, लेकिन उनकी धार्मिक प्रवृत्ति अभी क्यों नजर आ रही है इतनी? बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि राहुल गांधी के में और पहले के राहुल गांधी में अब के राहुल गांधी में फर्क है, और जिस तरीके से राहुल गांधी को एक तौर पर पेश किया जा रहा है वो पहले आप मंदिरों में जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सहयोगी ने मुझे बताया कि 10 अकबर रोड के पास जो एक पोस्टर लगा है उसमें राहुल गांधी के आगे पंडित लगाया गया है, यानी कहीं ना कहीं उनकी छवि को पेश किया जा रहा है कि अब राहुल गांधी जो है वो हिंदुत्व वाले एक चेहरे को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को मोदी की ट्रिक से हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से भुनाने की पूरी उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो
ताकतें हैं और जो उनकी रणनीति है वो कहीं कहीं नजर आ रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी काशिप जी ने कहा कि अभी उनका कि पंडित जी के पोस्टर लगा रखे, उनको पंडित बोला गया है, हालांकि पहले वो गांधी खानदान के गांधी के नाम से जो गांधी उपनाम जुड़ा है उनके साथ राहुल गांधी की पहचान उस नाम से थी, लेकिन अब वो पंडित के नाम से पहचाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि कोई वोटिंग वहाँ गुजरात में ब्राह्मण भी होंगे तो उनको लुभाने का कोई तरीका तो नहीं है? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी उस छवि से बचना चाह रहे हैं कि उसमें उनकी एक छवि बनी हुई थी कि कांग्रेस जो है मुसलमानों के साथ रहती है, तो अब उस छवि से कांग्रेस बाहर आना चाहती है और राहुल गांधी बाहर आना चाहते हैं। यही वजह है कि वो अपने नाम के आगे पंडित लगा रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं, जिससे कि बीजेपी को फायदा ना हो सके। फायदा तो हो ना सके, फायदा होगा या घाटा होगा ये तो आगामी दिनों में पता चलेगा। लेकिन क्या मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसा आपने कहा कि राहुल गांधी हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं और पीएम मोदी को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उन्हें अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं है जब उनको पीएम मोदी को फॉलो करने की जरूरत पड़ गई है? देखिए राहुल गांधी की अपनी रणनीति, जो पहले वो रणनीति अपनाते थे 2014 में फेल हो गई, राहुल गांधी की रणनीति यूपी में फेल हो गई, राहुल गांधी की रणनीति कई राज्यों में चुनाव हुए बिहार में जिस तरीके, लेकिन तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की रणनीति फेल हुई है। तो राहुल गांधी ने अब एक नई रणनीति को अपनाया है मोदी को मोदी के तरीके से, बिल्कुल अब वो जो है वो उसी राह पर चल पड़े हैं। सोशल मीडिया जो पहले मोदी के लिए काफी फायदेमंद होता था 2014 में, अब वही सोशल मीडिया बीजेपी के लिए नुकसानदायक। एक और बहुत बड़ा एक बयान दिया है, बहुत बड़ी उन्होंने बात बोली है कि 60 सालों में जो कांग्रेस ने काम करके दिखाया है वो हमने 10 सालों में गुजरात में काम करके दिखाया है। कहीं ना कहीं उन्होंने उनका इशारा यही है कि 60 साल में आपने जो किया वो हमने 10 साल में कर दिया। इससे वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जब 10 साल में इतना कर सकते तो सोचिए अगर आगे आप हमें बनाते रहेंगे तो हम कितनी जल्दी देश को विकास की गति पर ले आएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उन्होंने 10 साल की जो बात की है, हालांकि गुजरात में उन्हें 22 साल हो गए हैं, तो अगर देखने की बात यह है कि अब 22 साल में गुजरात में कितना विकास हुआ है और गुजरात के लोगों ने उसको कितना सराहा है और कितना वो अपने सर आंखों पे बैठाएंगे ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कितना विकास हुआ है, हालांकि कांग्रेस लगातार हमला कर रही है गुजरात मॉडल को लेकर, लगातार हमला कर रही है कि गुजरात मॉडल की को लेकर ब्रांडिंग की गई है, उसको एक लाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाया। उन्होंने काशी जी ये भी बोला किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो ऋण ले रखा है, जो कर्ज लेकर रखा है उसमें ब्याज सरकार देगी। क्या लगता है किसानों को लेकर, अम्बेडकर जी के बारे में बोलने को लेकर, कांग्रेस पर निशाना साधने को लेकर, और जिस तरह से कि आप अहमदाबाद की अगर विधानसभा सीटों की बात करूं वहां पर 21 विधानसभा सीटें हैं जिसमें 17 सीटों पर बीजेपी है और 4 पर कांग्रेस है, तो इन सब अगर तीनों चीजों को कनेक्ट किया जाए तो क्या लगता है इस बार भी बीजेपी वहां पर अपना परचम लहराएगी? क्योंकि सबसे पहले बात करूं अम्बेडकर जी की तो दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। बिल्कुल देखिए जिस तरीके से दलितों को लुभाने की कोशिश तो लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो लगातार कर रही है और कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं दलितों को लेकर कोई बात की जाए। हालांकि दलित इस वक्त नाराज हैं थोड़ा सा बीजेपी से, जिस तरीके से उन्नाव हत्याकांड हुआ फिर उसके बाद लगातार दलितों के साथ अपेक्षाएं होती रहीं, तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर दलितों के साथ अब सरकार को क्यों याद आ रही है, दलितों के उत्थान की जब सरकार सत्ता में थी तब क्यों याद नहीं है? किसानों के बारे में उन्होंने बोला है, हालांकि इस बार रैली में अभी तक जो रैली कि जो हमने अपडेट के बारे में आपको जानकारी दी है उस अपडेट के अनुसार आपको बता दूं कि अभी फिलहाल उन्हें डोकलाम विवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, इन सब मुद्दों से हटकर बात की है किसानों को लेकर, अंबेडकर जी को लेकर, कांग्रेस पर निशाना साधा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर बात की है। लेकिन उन्हें अपनी जो पुरानी जो बातें जो हर रैली में वो धराते थे कि डोकलाम विवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, हमने ये कर दिया, उसको एक दरकिनार कर दिया। क्या लगता है उन्हें पता है कि अब ज़्यादा कुछ एक रचना टाइप में हो रहा है तो कुछ नया चेंज लाया जाए? बिल्कुल देखिए लगातार राहुल पीएम मोदी जिस तरीके से रैलियां कर रहे थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश कर रहे थे और नोटबंदी जीएसटी को लेकर लगातार बात कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने नया दांव खेला है। आज अंबेडकर को लेकर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं दलित जो हैं उन लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो जिग्नेश मेवानी के साथ जो दलित समुदाय जुड़ा है वो कहीं ना कहीं टूट कर अब बीजेपी के साथ जुड़ जाए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, गुजरात को दंगा मुक्त किया। उन्होंने कहा मेरी जब से सरकार आई है, बीजेपी सत्ता में आई है, गुजरात में दंगा मुक्त हुआ है, वहाँ पर सुरक्षा के ज़्यादा भाव बढ़े हैं। साबित क्या करना चाहते हैं कि वहाँ पर और कोई सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है? नहीं देखिए ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं कि बीजेपी ने दंगा मुक्त करा, हालांकि 2002 का सच्चाई किसे छुपी नहीं है और जो वो मोदी जब वहाँ खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो खुद वहाँ के पीएम मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो इतना बड़े लेवल पर एक दंगा होता है और आज वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगा मुक्त किया, तो जब बीजेपी सत्ता में आ गई इसका मतलब दंगा मुक्त हो गया, यानी दंगा रोक दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये भी 60 सालों की बात, जो हमेशा पीएम मोदी बोलते हैं कि 60 सालों में कुछ नहीं हुआ जो हमने कर दिया देश में, क्या कांग्रेस खाली यहाँ पे क्या झाल बजा रही थी, उसने भी तो कुछ ना कुछ तो किया होगा, ये समझ में नहीं आता। हालांकि आप एक
सियासी रणनीति हो सकती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, लेकिन जनता भी इतना समझती है 7 सालों से अगर कांग्रेस यहाँ पर थी तो उसने भी बहुत कुछ किया है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे अभी काबिज हुए, साल 2014 में आप 22 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज हो, तो इससे आप 60 साल का आकलन नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, देखिए बिल्कुल इसमें तो बेमानी होगा कहना कि 60 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हिंदुस्तान में आज जो भी कुछ हुआ है आज़ादी के 60 से 70 सालों में हमने जो कुछ इतना हासिल कर लिया है वो पिछली सरकारों की ही देन है। बिना सरकारों के उससे तो ये सारे काम नहीं हो सकते, जितने IITs हों, विश्वविद्यालय हों, हॉस्पिटल्स हों, ये सब चीज़ें पिछली सरकारों की ही देन है। ऐसे में अगर किसी का ये कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया है तो अपने आप में बड़ा सवाल। मंदिर का जिक्र किया है पीएम मोदी ने और कटाक्ष किया राहुल गांधी को लेकर, लेकिन राम मंदिर को लेकर वो बस्ते में नजर आए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राम मंदिर एक ऐसा विवाद है कि अगर उस पर वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो घिर सकते हैं, और वो और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला। ऐसे में पीएम मोदी का उस पर बोलना कहीं भी औचित्य नहीं बनता है। जी वाकई, और जिस तरह से कि पीएम मोदी ने आज धंधुका में करके कांग्रेस पर निशाना साधा है, अंबेडकर जी की तारीफ की है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उन्हें कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें भुला दिया, इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों को लेकर और दलितों को लेकर भी जिस तरह से अंबेडकर जी की बात करके दलितों को साधने की कोशिश की। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इस बार गुजरात में जो चुनाव होने वाले हैं 9 दिसंबर को, वहाँ पे पहले चरण का मतदान है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पीएम मोदी की जो स्ट्रैटेजी है, जो बयान वो दे रहे हैं, उससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होता है, क्या फिर से बीजेपी वहाँ पर सत्ता पर काबिज होती है या फिर नहीं। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।